गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं वेव गाइड का लॉस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये मैं मोड सॉल्वर खोल चुका हूं, जिसमें कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बॉक्स लेयर है जो कि नीचे सबस्ट्रेट का काम करेगा, क्लेडिंग का काम करेगा। इसका एक्स स्पैन 10 है, वाई स्पैन 10 है और जेड -4 to 0 है। मटेरियल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हैं इस तरह से, इसके ऊपर में इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम मटेरियल चेंज कर देते हैं, मटेरियल और इसका हाइट चेंज कर देते हैं। हाइट 0 से 0.1 हो गया और मटेरियल यहाँ पे हम ले लेते हैं सिलिकन, तो स्लैब हो जाता है। उसके ऊपर में इसी को डुप्लीकेट करके सिलिकन का कोर तैयार कर लेते हैं। कोर मेरा 500 नैनोमीटर विड्थ था, इसलिए 0.5 और ये 0 to 0.25 जाता है। मटेरियल में इसका भी सिलिकन ही है और इसमें हम FDE लगा देते हैं। FDE यहाँ से लाते हैं सिमुलेशन में जाके, एगन मोड सॉल्वर। तो FDE में हम लोग सारा चीज़ सेटिंग कर देते हैं कि ये 2DX नॉर्मल होना चाहिए, ज्योमेट्री 4 रखते हैं और ये 2 रखते हैं। मेस में जाते हैं हम, ये 200 और 100 ले लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन में जाते हैं, ये सारा PMLM ले लेते हैं, बाउंड्री ले लीजिए। उसके बाद मटेरियल में जाते हैं हम, ये इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम आइगन मोड सॉल्वर यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं विंडो को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोड सॉल्वर में जाएंगे, मोड एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि मोड एनालिसिस में 1.5 स्टार्टिंग वेवलेंथ दीजिए, मैस स्ट्रक्चर कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर मैस हो गया। नंबर ट्रायल 4 है और इसमें हम कैलकुलेट मोड करेंगे, ये मोड कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद इसमें देखिए अलग अलग मोड है, ये फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल को रहने दीजिए, या फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में आइए, इसको टिक रहने दीजिए, इसको भी टिक रहने दीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ 1.6 कर दीजिए और उसके बाद फ्रिक्वेंसी स्विप कीजिए। ये एक एक पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर अलग अलग मोड कैलकुलेट करेगा। इच मोड का क्या करेगा, ये इंडेक्स लॉस सब चीज़ कैलकुलेट करेगा। तो आप देख सकते हैं इस विंडो में ये इफेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो गया है। यहाँ फ्रिक्वेंसी मोड में इफेक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेवलेंथ है, अगर यहाँ पर आप चेंज करेंगे लॉस तो ये लॉस को देखिए कैलकुलेट कर पा रहा है, लॉस वर्सेस वेवलेंथ। यहाँ पर ले जाइए ग्रुप इंडेक्स तो ये ग्रुप इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर पा रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपने वेव गाइड को बनाना सीखा, कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरह से इसका लॉस कैलकुलेट करते हैं।